एवरी एवरीवन जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो चलिए आज के पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इज बिल्डिंग द नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट द हिस्टोरिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन रिजन ऑफ लोथल इन गुजरात विद द टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज़ बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात में लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है जिस पर कुल पैंतीस सौ करोड़ रुपए की लागत आएगी एंड ये मास्टर प्लान बनाया गया था मार्च २०१९ में चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर ई एम सी इन पुणे एट अ कॉस्ट ऑफ़ रुपीज़ फाइव हंड्रेड करोड़ सरकार ने पुणे में पाँच सौ करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर ई एम सी को मंजूरी दी है ई एम सी रंजन गाँव फेज थ्री रंजन गाँव फेज थ्री में बनेगा टू नाइन्टी सेवन एकड़ लैंड पर एंड इसे अप्रूव किया है एम ई -E आई टी वाई मिट्टी ने मिट्टी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट करेंगे रुपीज़ टू हंड्रेड एट करोड़ के लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज बिल बी इंट्रोड्यूसिंग द न्यू अवतार ऑफ हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत नेमली वंदे भारत टू भारतीय रेलवे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के लिए एक नए अवतार वंदे भारत टू को पेश करेगा इसका जो स्पीड रहेगा वो रहेगा ज़ीरो से हंड्रेड किलोमीटर प्रति आवर एंड मैक्सिमम स्पीड जाएगा वन एटी किलोमीटर प्रति आवर एंड जो इसका वेट है ये एक लाइट वेट है डेट इज़ थ्री हंड्रेड टू टन जो कि पहले फोर हंड्रेड थर्टी टन हुआ करता था एंड इसमें फोटो कैटेलिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट है सिक्किम फॉर द फर्स्ट टाइम टू होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस एट सिका माइनिंग ग्राउंड सिक्किम पहली बार सिका माइनिंग ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए मेजबानी करेगा दिसंबर 2022 में सिक्किम रणजी ट्रॉफी होस्ट करेगा मिजोरम मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश को वेलकम करेगा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे Next, is Justice K.N. Singh, who remained Chief Justice of India for the shortest period of 18 days in 1991, passed away on 8 September. Dohajar Bais. Archaeologist B.B. Lal passes away, who led an excavation at the Ramjan Bhumi site in the mid 1970s. 1991 May, subsequent अठारह दिनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति के एन सिंह का आठ सितंबर 2022 को निधन हो गया एंड पुरातत्वविद बीबी लाल का निधन हो गया जिन्होंने 1970 के दशक के मध्य में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का नेतृत्व किया था जस्टिस के एन सिंह हमारे ट्वेंटी सेकेंड सी थे एंड जो बीवी लाल हैं इन्हें 2021 में पद्म विभूषण मिला है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट है किंग चार्ल्स नेम्स विलियम केट एज प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ डेथ क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद राजा चार्ल्स ने विलियम एंड केट को प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स का नाम दिया नेक्स्ट है एच डी एफ सी बैंक साइंस एमओयू विद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू सेट अप चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इन मुंबई एच डी एफ सी बैंक ने बैंकिंग और वित्त मुंबई के चेयर के स्थापना के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेक्स्ट है आसाम डिसाइडेड टू मर्ज एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी को एक साथ मर्ज किया जाएगा आसाम ने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभागों के विलय का फैसला किया है आसाम के सीएम कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ यूनिक फार्म आईडी सिमिलर टू आधार नंबर टू द फार्मर्स विच विल बी लिंक्ड विद आधार टू प्रोवाइड देम बेनिफिट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधार नंबर के समान एक विशिष्ट कृषि आईडी प्रदान करेगी जिससे आधार जिसे आधार से जोड़ने जोड़कर उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा यूपी का कैपिटल है लखनऊ एंड यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेवेंटी फाइव एंड यूपी के सीएम एम है योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट है ये आज का लास्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ सी एम भूपेश बाघेल ऑन फ्राइडे इनोग्रेटेड मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एंड शक्ति एज द थर्टी सेकेंड एंड थर्टी थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने शुक्रवार को राज्य के बत्तीसवें और तैतीसवें जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और शक्ति का उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर सितंबर के फर्स्ट वीक में तीन नए डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी बने थे एंड फिर से ये दो नए डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है अब टोटल कितने हो गए थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ आई होप आपका आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड जिन्होंने अब तक सब सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें थैंक यू